हेलो गाइस, मैं हूं नाज और आप देख रहे हैं ब्यूटी विद नाज। आप सभी का मेरे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि आप घर पे ही पार्लर जैसा ग्लो कैसे अपने फेस में ला सकते हैं, वो भी सिर्फ 15 मिनट में। अगर आपको कहीं पार्टी में जाना है, शादी में जाना है या फिर आपको डेट पे जाना है और आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है पार्लर जाने का, तो आप घर पे ही कैसे इंस्टेंट ग्लो अपने फेस में ला सकते हैं ये मैं आज आपको बताऊंगी। और बेस्ट बात ये है कि सारे इंग्रेडिएंट जो है वो आपके किचन में ही मौजूद है। तो चलिए बिना देरी के हम लोग ये जान लेते हैं कि ये इस फेस पैक को बनाना कैसे है। पर वीडियो के स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ऐसी अमेजिंग वीडियो के लिए। तो सबसे पहले आपको एक क्लीन बोल लेना है। उस बोल में आप 2 टेबल स्पून मलाई ले। अगर मलाई नहीं है तो आप दही भी ले सकते हैं, और अगर दही भी नहीं है तो आप कच्चा दूध यानी कि रॉ मिल्क आप ले। मलाई से हमारे फेस में डस्ट, धूल, गंदगी है वो अच्छी तरीके से साफ़ हो जाती है। मलाई हमारे फेस को अच्छे तरीके से साफ़ करता है और फेस में डलनेस अगर आ गई है तो वो उसे रिमूव करता है, या स्किन ड्राई हो गई है तो वो उसे भी रिपेयर करके क्रिस्टल क्लियर बनाता है। अगर आपके फेस में फाइन लाइन या रिंकल्स हो गए हैं तो मलाई उसे काफ़ी हद तक रिमूव भी करता है। उसके बाद हम लोग 2 टेबल स्पून कॉफ़ी का पाउडर लेंगे। कॉफ़ी का पाउडर में एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ मिले होते हैं जो हमारे फेस के कॉम्प्लेक्शन को इन्हेंस करता है यानी कि बढ़ाता है और स्किन टोन को इम्प्रूव करता है, और साथ ही साथ डेड स्किन सेल्स को भी रिमूव करता है। इससे रिंकल और फाइन लाइन की जो प्रॉब्लम होती है वो नहीं होती है। अगर रिंकल या फाइन लाइन आपके फेस में है तो वो इसे रिड्यूस भी करता है। उसके बाद आपको लेना है 1 टेबल स्पून ओट्स। अगर आपके पास ओट्स नहीं है तो आप बेसन भी ले सकते हैं। ओट्स हमारी स्किन के एक्सेस ऑयल को रिड्यूस करता है और फेस में एक्ने, पिंपल्स अगर हो गए हैं आपके तो वो उसे भी रिमूव करता है। ओट्स एक नेचुरल क्लींजर की तरह हमारे स्किन में वर्क करता है। ओट्स हमारे फेस से डर्ट, डस्ट, इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करता है, फेस को चमकदार बनाता है और साथ ही साथ ये फेस में निखार भी लाता है। उसके बाद आपको लेना है 1 पिंच कस्तूरी हल्दी। अगर आपके पास कस्तूरी हल्दी नहीं है तो आप किचन वाली हल्दी भी यूज़ कर सकते हैं। हल्दी में एंटीऑक्सीडेंट और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ मिले होते हैं जिससे हमारे स्किन में पिंपल्स अगर हो गए तो वो उसे रिड्यूस करता है। अगर पिंपल्स एक्ने की वजह से स्कार्स हो गए, गड्ढे हो गए तो उसे भी काफ़ी हद तक ये रिमूव करता है। हल्दी हमारी स्किन को ब्राइट करता है, ग्लोइंग बनाता है, चमकदार बनाता है, चेहरे में निखार लाता है, और अगर आपके फेस में बहुत ज़्यादा डलनेस आ गई है तो उसे डलनेस को भी रिमूव करता है। इन सभी इंग्रेडिएंट को आप अच्छे से मिक्स कर ले। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसे अप्लाई करने का तरीका। सबसे पहले आप अपने फेस को साफ़ करें। आप स्किन को क्लींजर या फिर आप फेस वॉश से साफ़ कर सकते हैं। सबसे पहले आप फेस वॉश करें। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी स्किन के टाइप के अनुसार कौन सा फेस वॉश बेस्ट रहेगा तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। मैंने एक नया वीडियो बनाया है फेस वॉश के ऊपर। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपका फेस टाइप कौन सा है, आपका स्किन टाइप कौन सा है और उस हिसाब से कौन सा फेस वॉश बेस्ट रहेगा, तो आप वीडियो को ज़रूर देखें। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। फेस वॉश करने के बाद पैक को आप अप्लाई कर ले। 15 मिनट तक उसे रहने दें। 15 मिनट के बाद आप अपने चेहरे को वार्म वाटर से वॉश कर ले। आप देखोगे कि कैसे इंस्टेंटली इस फेस पैक से आपकी स्किन ग्लोइंग और ब्राइट लगती है। इसको आप पार्टी या फंक्शन में जाने से पहले कर सकते हो। इससे आपका डल चेहरा ब्राइट होगा, चमकने लगेगा। इसको आप वीक में 2 से 3 बार जरूर इस्तेमाल करें। इस फेस पैक के अप्लाई करने से आप देखोगे कि इसके रेगुलर यूज़ से आपका रंग साफ़ हो जाएगा और कम्प्लेक्शन निखरने लगेगा और आपका चेहरा भी ग्लो करने लगेगा। सो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की इंस्टेंट ग्लो रेमेडी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें, और ऐसे ही अमेजिंग वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।